कोरोना वायरस और लॉकडाउन से उत्पन्न आर्थिक संकट के बीच आम आदमी की परेशानी बढ़ती जा रही है। जनता को अब पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि से भी जूझना पड़ रहा है। दरअसल पेट्रोल पर 58 पैसे और डीजल पर 54 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद राजस्थान में पेट्रोल 83 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल की कीमत 76 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ा है। इसी को लेकर पेट्रोल डीजल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष तरुमीत सिंह बेदी से बात की हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद में लोग पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। अब ऐसे में लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, इससे लोगों को काफी निराशा है और लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से अलग ही तरह के हालात उत्पन्न हो गए हैं। हमारे साथ एक कोटा पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के अध्यक्ष रुमेश सिंह देवी हमारे साथ मौजूद हैं, जानेंगे उनसे किस तरह से पेट्रोल और डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं और इसका क्या कारण है। सबसे पहली बात तो ये कि जो पेट्रोलियम के जो दाम बढ़ रहे हैं रोज, इससे लोगों को बहुत ज़्यादा आर्थिक भार आ रहा है और पेट्रोलियम डीलर्स के लिए भी बहुत ढेर स्थिति है, क्योंकि सेल्स पहले ही, क्योंकि हर जगह व्यापार की स्थिति सबको पता है, तो सेल्स पहले ही डाउन है और इसके बाद और सेल्स में इफेक्ट आता है। हमारा इतना सा मानना है कि पूरा देश अभी एक बहुत बड़ी गंभीर स्थिति के अंदर है, ये स्थिति कभी आई नहीं। तो कोरोना महामारी में जो हम सरकार से बरसों से मांग कर रहे हैं कि टैक्सेशन आप डायरेक्ट करें, और जब GST गवर्नमेंट लेके आई है तो पेट्रोल पे GST लेके आए, पेट्रोल डीजल पे पूरे देश में एक रेट हो, और कोविड के लिए हम समझ सकते हैं कि कोविड एक बहुत बड़ी महामारी है, सरकार को पैसा भी चाहिए, राज्य को भी चाहिए, केंद्र को भी चाहिए, तो आपकी जो GST की मैक्सिमम 28% है आप वो लगा के और 2-2% लेके 25% कोविड का लगा दें, लेकिन जो बाकी टैक्सेशन है आपकी, वैट है, एक्साइज है, कई तरह की ड्यूटीज हैं, सेल्स है, उनको ऑब्लिग करें, क्योंकि पेट्रोल की जो वास्तविक रेट है और जो हमें मिलता है तो वर्ल्ड ओवर सबसे महंगा पेट्रोल हम लोग बेचते हैं, तो उसका आज की तारीख में कोई औचित्य बनता नहीं। और हमारी पूरे देश की ये समस्या है कि कोविड से हमें लड़ना है 19 से, तो उसका तरीका ये नहीं कि हम बेहतर रेट बढ़ाते हैं, तो उस तरह की कोई वैल्यूएशन नहीं आएगा। इसका तरीका एक ही है कि पेट्रोल डीजल को लेके GST के अंदर 28% जो स्लैब मैक्सिमम है GST की, उसमें आप ले लें और कोविड का सरचार्ज लगा दें, लेकिन जो जो बाकी के टैक्सेस हैं, सेंटर के एक्साइज है, बाकी है, सेस है, स्टेट का वैट है, इन सबको अबॉलिश करें, क्योंकि टैक्सेशन पार्ट इतना ज़्यादा है, इट अराउंड 69%, तो बहुत भारी पड़ता है, तभी जाके इसमें आराम आएगा। ये थे हमारे साथ त्रिवेंद्र सिंह बेदी, जिनका साफ तौर पर कहना था सरकार को कहीं ना कहीं टैक्सों में रियायत देनी पड़ेगी, लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से परिवहन के जो संसाधन थे उनों की भी दरें लगातार बढ़ती जा रही है। कैमरामैन दीपक के साथ राजेंद्र भारद्वाज A1 के लिए कोटा से।